नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय मिश्रा है और मैं महादेव एजुकेशन सोसाइटी के सेंटर IRS इंफोटेक फरुखाबाद यूपी से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स कर रहा हूँ और आज मैं आपको बताऊंगा कि लैन केबल कैसे बनाई जाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी लैन केबल दो टाइप की होती है, क्रॉस और स्ट्रेट। आज हम स्ट्रेट केबल को बनाएंगे। इस केबल को बनाने के लिए हमें जिस टूल की जरूरत होती है उसे बोलते हैं क्लंपिंग टूल। ये देखिए, ये हमारा क्लंपिंग टूल है, ये हमारी केबल है। इस केबल में हमें एक कनेक्टर को कनेक्ट करना होता है जिसे हम RG45 कनेक्टर बोलते हैं। ये देखिए, हमारा RG45 कनेक्टर है। चलिए हम इस केबल को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्लंपिंग टूल के माध्यम से इस केबल के ऊपर वाले प्लास्टिक की कोटिंग को हटाना होता है। इस केबल के अंदर जो वायर होते हैं वो एक दूसरे में जोड़े में होते हैं। ये देखिए, हम इन वायरों को एक एक करके खोल लेते हैं। अब इन वायरों को कलर कोडिंग के हिसाब से सेट करना होता है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हमने इन वायरों को सेट कर लिया है। इनमें सबसे पहले ग्रीन व्हाइट ग्रीन, ऑरेंज व्हाइट ब्लू, ब्लू व्हाइट ऑरेंज और ब्राउन व्हाइट ब्राउन वायर आता है। हम इन वायरों को इस RG45 कनेक्टर में कनेक्ट करते हैं। ये देखिए, हमारे एक वायर इस RG45 कनेक्टर में अच्छी तरह से कनेक्ट हो गए हैं। अब हम RG45 कनेक्टर को इस क्लंपिंग टूल की सहायता से प्रेस करते हैं। ये देखिए, हमारी स्ट्रेट लाइन केबल तैयार है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने हमें कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स करने का सुअवसर प्रदान किया।